वेल शार्क, ये वेल है कि शार्क? दिमाग में कंफ्यूजन है, हम क्लियर कर देते हैं। वेल शार्क एक फिश है और वो भी दुनिया की सबसे बड़ी फिश। तो आइए जाने कुछ वेल शार्क फैक्ट्स, जाने दुनिया 10 मिनट में। साइज और लुक्स, वेल शार्क्स 40 फीट लंबी तक ग्रो कर सकती हैं, पर आमतौर पर वो 18 से 33 फीट लंबी होती हैं और उनका वेट होता है 20.6 टन्स। ये कितना हुआ? ये हुआ एक नॉर्मल स्कूल बस के साइज का। अब शायद आपने ये भी सुना होगा कि फेमस ग्रेट व्हाइट शार्क्स दुनिया की सबसे बड़ी मांसाहारी फिश होती हैं। पर अभी तो हमने वेल शार्क को सबसे बड़ा फिश बताया था। देखिए, वेल शार्क हंट करके अपने खाने का इंतजाम नहीं करती, इसलिए वो ओवरऑल सबसे बड़ी है। जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं, वेल शार्क का सर चपटा होता है। इसकी बॉडी पर देखिए, इट इज फुल ऑफ स्पॉट्स एंड स्ट्राइप्स, जो कि हर वेल शार्क में अलग पैटर्न का होता है, बिल्कुल इंसानों के फिंगरप्रिंट्स के जैसे। हैबिटेट, ये फिश कहाँ रहती है? वेल शार्क्स को वार्मर एरिया ज़्यादा पसंद होते हैं और वो यूजुअली पूरी दुनिया के ट्रॉपिकल वाटर्स में पाई जाती हैं। कुछ को कूलर वाटर्स में भी देखा गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क के कोस्ट पर 75% वेल शार्क्स इंडियन और पैसिफिक ओशंस में मिलती हैं और बाकी 25% एटलांटिक ओशन में। आइए अब जानते हैं इनकी हैबिट्स के बारे में। वेल शार्क्स अकेली रहती हैं, ग्रुप्स में नहीं, पर हाँ, जब खाने का टाइम आता है तो इनको दूसरी वेल शार्क्स के साथ खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी वेल शार्क्स की हैबिट के बारे में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इन्हें बाकी फिशेज जितना डिटेल स्टडी नहीं किया गया है। अब इनकी डाइट क्या है? अब वेल शार्क्स के मेनू में क्या रहता है? ये शार्क्स अपनी बाकी फैमिली मेंबर्स की तरह दूसरों को मार के नहीं खाती हैं, वो मीट खाती हैं, पर उनका स्टाइल ही अलग है। वेल शार्क्स फिल्टर फीडर्स होती हैं, यानी वो अपनी माउथ ओपन करती हैं, पानी को अंदर आने देती हैं और उनकी बॉडी उसमें से खुद खाना फिल्टर करके बाकी चीज़ें ओशन में बाहर निकाल देती हैं। प्लैंकटन इनका मेन फूड सोर्स है, पर ये श्रिम्प, एल्गी, समुद्री प्लांट्स, स्क्विड, ट्यूना वगैरह भी खाती हैं। अब इनकी लाइफ कितनी होती है? वेल शार्क्स का बचपन बहुत ही लंबा होता है। जब वो 25 ईयर्स के हो जाते हैं तब वो बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही अगर टोटल लाइफ की बात करें तो वेल शार्क्स 100 से 150 ईयर्स तक जी सकती हैं, जो एवरेज ह्यूमन से तो काफ़ी ज़्यादा हुआ। अब इसी से बात निकलती है कि आखिर वेल और शार्क में डिफरेंस क्या है। आइए इसको जानिए हमारे साथ आपके लेफ्ट साइड वाले वीडियो। एनिमल्स और नेचर के और वीडियोस देखने के लिए क्लिक करिए आपके राइट साइड वाले लिंक। तो मिलते हैं इन वीडियोस में।